गॉडलाइक को भी स्पॉट कर सकते हैं। एडमिनो यहाँ पर रहेंगे अब थर्ड पार्टी के लिए। टीम गॉडलाइक वो एक्शन में आएगी। ज्यादातर यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, ट्रायल्स को करेंगे डाउन और देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी का आगाज यहाँ पर हुआ जरूर से। जॉनथन धीरे धीरे अग्रेस करेंगे और वसिस्ता के एमजे को भी यहाँ पे लगातार डैमेज देने का प्रयास, वो ग्रेनेड थ्रो करते हुए, लेकिन सिम इसी दौरान दूसरा कनेक्शन बनाते हुए। लेकिन इतना मैं बस कहूंगा कि टीम गॉडलाइक को डब्ल्यूओबी के बारे में पता है लेकिन एमजे के बारे में बिल्कुल ही भनक नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो नींव रखी थी, जो एक तरीके से पूरा बेस सेट करके रखा था एमजे ने, उनको लगा था और हमें लगा था कि शायद अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो कहीं ना कहीं, लेकिन एमजे उनको भी समाप्त किया जाएगा और एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी को अंजाम दिया गया। और सोचिए पांचों के पांचों फ्रैक्स, बिल्कुल वो थर्ड पार्टी भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए वापस की तरफ भी अलर्टवार होगा। आरु गेमिंग की टीम को भी यहां पे दिक्कतों में डाला गया, आरु गेमिंग को पूरी तरीके से कंफर्म करते हुए। बट ये किसी को अंदाजा नहीं था यहाँ से शायद देखो या फिर कैरी का कोई ना कोई नॉकआउट हो सकता है, बट क्या उनको अंदाजा नहीं कि उनके जस्ट से जाएंगे तो मेरे ख्याल से काफी नुकसान। और अभी के लिए नुकसान टीम एंटिटी गेमिंग को भी उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, टीम आरू के प्लेयर जरूर तैयार करें, लेकिन अब जाकर जॉनथन का वो ग्रेड जाएगा और अब मुझे लग रहा है टीम वॉकआउट बहुत ज्यादा परेशानी अब आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मोनोटॉप का भी प्रेशर बिल्ड करता रहा जाएगा। और जी हाँ, मोनोटॉप की वजह से रिको का वो कनेक्शन बना है सात फ्रैक के साथ, टीम गॉडलाइक अभी के लिए इस स्थिति में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे बैठी हुई है। देखिए वॉकआउट के दो प्लेयर्स का जो पॉइंट्स था वो दोनों ही आप जॉनथन के खाते में जाते आपको नजर आएगा, लेकिन पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। तीन फिनिशर्स निकाल के एजेस के ऊपर अभी के लिए एक थोड़ा सा होल्ड जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जॉनथन 30,000 हिट होते ही 5 लकी विनर्स को रॉयल पास भी दिए जाएंगे। देखिए सर्कल के बाहर से एंटिटी पुकार, ये लगातार कनेक्शन ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सर्कल का वार होगा। जॉनथन के अगेंस्ट एक कनेक्शन बनाया जरूर था उन्होंने, लेकिन एआर के मात्र दो प्लेयर्स अब यहाँ पर बचे हुए हैं। सर्कल के बाहर भी जाकर प्लेयर्स यहाँ पर तलाश में, एडविनो मीनवाइल एक जी ट्राई करा जाएगा और मुझे लगा थ्रोबॉल के चलते बाहर भी निकाला जाएगा। तो चलिए कप्तान भी बोलते हैं मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपने थ्रोबॉल चलते निकाल सकता हूं। और ये चिकन डिनर गाइस जाएगा टीम गॉडलाइक स्पोर्ट्स की झोली पे और काफी अच्छा कह सकते हैं यहाँ से। फाइनली K9 के साथ बैटल हुई और इस बीच आप देखिए सारी टीम भी इस पे फर्स्ट नजर आएगी। ब्लाइंड इज नॉट ब्लाइंड, इट्स अ टीम सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लेस ना वो टैग अगर हालांकि हटा के करे तो बेहतर रहेगा, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं। दूसरे से टीम गॉडलाइक एडमिनो तीन फ्रैग्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जॉनथन कोशिश करेंगे फिलहाल अपनी टीम के साथ री इन्वाइट करने का। ऐसे में अगर आप चर्चा करें टीम एक्सपाक की, के द्वारा वो कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, 9 फिनिशर्स ऑलरेडी हो चुके हैं टीम के सारंग के पास 4। क्यों है वो यहाँ पर नंबर 1, क्यों है यहाँ पर वो टेबल टॉपर? रिकॉर्ड ठीक मिल जाएगा, लेकिन दूसरे से FS Esports वो अभी के लिए गॉडलाइक स्पोर्ट्स के लिए रास्ते काटा बनते नजर आएगा। और हो सकता है क्या पता वहाँ पर एलिमिनेशन भी उनका देखने को मिल जाए, लेकिन एडमिन अभी भी ट्राई कर जरूर रहते हैं, लेकिन जहाँ तक। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।